टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको 1.5 टन हायर का डेमो दूंगा जो कि आपका 3 स्टार में आता है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आता है। अगर मैं बात करूं इसके यूनिट कंजम्पशन की, जो आपका यूनिट कंजम्पशन लेता है ये कूलिंग कैपेसिटी के मामले में, ये लेता है आपकी 5070। और अगर मैं इसकी यूनिट पर ईयर की बात करूँ तो ये करीब करीब 1020 यूनिट के करीब लेता है। ये आपका 3 स्टार है। अगर इसकी ISER की रेटिंग देखें तो 3.85 रेटिंग है। और अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में आप देखेंगे इसमें आपके सामने ही प्रॉपर पैम्पलेट है। पहला जो आता है इसका फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन यानी सेंट्रलाइज रेट 99.9%। इसमें आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको दो पिक्चर्स दिखा रखे हैं। इसका मेन खास बात क्या है, जब भी ये एसी चलता है तो जो भी डस्ट ये खींचता है तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो मॉइस्चर बनाता है फिर उसमें क्या होता है, पानी की तरह मॉइस्चर के थ्रू ये ड्रेन आउट कर देता है, यानी प्रॉपर तरीके से ये फ्रॉस्ट क्लीन कर देता है। एक टाइप से जैसे फ्रीज होता है ना, फ्रॉस्ट फ्री होता है, तो वैसे ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये क्लीन कर देता है प्रॉपर कंडेंसर को। अगर मैं इसकी नेक्स्ट की बात करूं तो इसमें इन्होंने लिख रखा है सुपरसोनिक कूलिंग। सुपरसोनिक कूलिंग इन्होंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये जब भी स्टार्ट होता है तो ये विद इन 10 सेकंड के अंदर ही, 10 सेकंड स्टार्ट होते ही कंप्रेसर को हाई स्पीड पे चलाता है और कूलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो हाई लेवल पे देता है। अगर मैं इसके नेक्स्ट ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर देता है, ये ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है, नॉर्मली आपने सुना होगा कोई ड्यूअल इन्वर्टर देता है, कोई ट्विन इन्वर्टर देता है, कोई ट्विन टेक्नोलॉजी इन्वर्टर देता है, कोई डिजिटल इन्वर्टर देता है, तो सेम इसका वो भी वही है कि ये ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर देता है। कंप्रेसर में क्या है, इसके जो रोटर्स होते हैं वो डबल रोटर्स में वर्क करते हैं जो फास्टिंग रनिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बिजली की सेविंग आपको बेटर मिलती है और इसकी जो वाइब्रेशन और जो नॉइज लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसका ये ट्रिपल इन्वर्टर का फायदा है। अगर इको यानी इको का क्या फायदा इन्होंने दे रखा है, इंटेली कन्वर्टेबल। इंटेली कन्वर्टेबल में क्या है, ये 7-in-1 कन्वर्टेबल दे रखा है। सेम वही कंडीशन है, कोई 4-in-1 देता है, कोई 5-in-1 देता है, कोई 6-in-1 देता है। अब इन्होंने क्या किया, उसको अपग्रेड कर दिया है 7-in-1। 7-in-1 का इनका क्या मकसद है कि ये आपके 7 मोड्स पे यूज होगा। कैसे होगा कि ये 1.5 टन का एसी है, इसके 7 मोड्स होंगे। करीब करीब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, 0.8 टन होगा, 1 टन होगा, 1.2 टन होगा, आपका 1.5 टन होगा और आपका 1.6 और 1.7 तक भी ये कंजर्व करेगा, यानी ये हाई लेवल तक इसका कंप्रेसर वर्क करेगा जो कि 1.5 टन से भी ऊपर की लेवल की कूलिंग देगा। तो ये इसका 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ 60 डिग्री एक्चुअली क्या है कि 60 डिग्री क्या होता है, जब भी ये वर्क करेगा और बाहर का टेम्परेचर आपका जो लेवल होता है हाई डिग्री पे हो जाता है, बाहर के तापमान 52 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 48 डिग्री पे, तो ये क्या होता है, इसका जो कंप्रेसर है वो आपका 60 डिग्री पे टेस्टेड है, यानी कभी भी इस बाहर का तापमान अप होता है तो उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, ये डाउन नहीं होगा, इसकी जो कंप्रेसर वो ट्रिप नहीं होगी, 60 डिग्री पे टेस्टेड है। जो कि नॉर्मली जैसे आपके अरब कंट्री होती है ना जहाँ पे तापमान बहुत हाई होता है, उस टाइप का ये कंप्रेसर बनाया गया है जो कि आपका 60 डिग्री पे टेस्टेड होता है। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट फीचर आता है इसका हाइपर पीसीबी। पीसीबी जो होता है इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कि एक सेफ पोजीशन में बनाया जाता है, जो कि आग लगने का खतरा उसमें बहुत ही कम होता है। अगर इसमें अदर्स फीचर देखेंगे तो अदर्स फीचर में यह आपका आता है, यहाँ पे आपका कॉपर कॉइलिंग, 100% कॉपर कॉइलिंग होता है दोनों साइड, इनडोर में भी इसका कॉपर होता है, आउटडोर में भी इसका कॉपर होता है। कॉपर का ये बेनिफिट होता है कि ये एल्युमिनियम से बेटर क्यों होता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है रिपेयरेबल नहीं हो पाता है बार बार, और कॉपर जो होता है रिपेयरेबल भी होता है, हीट एग्जॉस्ट भी होता है और उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है कॉपर की। और अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूँ तो 1 ईयर की ये टोटल वारंटी देता है, 10 साल की कंपल्सरी वारंटी देता है और 5 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी देता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14,990 रुपये, यानी ये 5 साल की 14,990 आपके सेफ हो रहे हैं। किस कंडीशन में हो रहे हैं कि अगर इसमें पीसीबी वगैरह या फिर आपका इंडोर कंप्रेसर या कंडेंसर इवेपरेटर कॉइल जो भी ख़राब होता है वो आपका 5 ईयर की वारंटी में होगा। बस फर्क ये है कि इसमें गैस भी आपकी रिफिल होगी, यानी गैस भी इसमें कवर्ड होगी। तो मैंने आज आपको 1.5 टन का हायर का डेमो दिया। आपको डेमो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे।